नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर 2020 के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कोरोना वायरस से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आगामी जो भी एग्जाम होंगे वहाँ पर कोरोना वायरस से कम एक प्रश्न तो पक्का पूछा जाएगा। तो इसीलिए पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। कोरोना वायरस एक वायरस का समूह है, इनमें से कौन सा वायरस इस समूह का नहीं है? तो ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो जो सार्स है ये भी कोरोना वायरस समूह का एक वायरस है, मर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी इसी समूह का वायरस है, और अगर हम बात करते हैं सार्स सीओवी2 को तो ये भी इसी समूह का वायरस है, लेकिन जो हंता वायरस है ये कोरोना वायरस समूह का वायरस नहीं है, यह भी एक वायरस का अलग से समूह है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए सार्स के बारे में। तो सार्स भी कोरोना वायरस का एक प्रकार था जो कि फैला था 2002-03 में चीन में, और मर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कि 2012 में फैला था। तो इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं सार्स सीओवी2 को, तो इस बार जो कोरोना वायरस फैला है 2019 से उसका नाम है सार्स सीओवी2। तो आपको यहाँ पर गलती नहीं करनी है। सार्स सीओवी2 से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो इससे जो बीमारी होती है उसका नाम है कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस डिसीज 19 इसीलिए ऐड किया गया है क्योंकि 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। कोरोना वायरस शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? अब ये जो कोरोना वायरस होता है इससे व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कोरोना वायरस का प्रसार चीन के किस शहर से शुरू हुआ था? तो ये जो प्रसार है चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था। कहाँ से? वुहान शहर से शुरू हुआ था जो कि हुबोई प्रांत का एक शहर है। ध्यान रखिएगा कि पहली जो डेथ हुई थी चीन में वह भी वुहान में हुई थी। अगर हम लोग बात करते हैं चीन से बाहर कोरोना वायरस के कारण पहली डेथ, तो वह हुई थी फिलीपींस में। कहाँ पर? फिलीपींस में पहली डेथ हुई थी। भारत में पहला केस देखा गया था केरल में, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कोरोना वायरस के कारण भारत में पहली डेथ कहां पर हुई थी, तो ये हुई थी कर्नाटक राज्य में। कोरोना वायरस की जांच के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो जो टेस्ट है इसका नाम है RT-PCR, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चैन रिएक्शन। और ये जो RT-PCR होता है इसके माध्यम से RNA के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को DNA के साथ में जोड़ा जाता है और पता लगाया जाता है कि क्या वह व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है या फिर नहीं है। कोरोना वायरस के बारे में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि यह एक RNA प्रकार का वायरस होता है। किस प्रकार का? RNA प्रकार का वायरस होता है। किस राज्य के द्वारा कोरोना वायरस को सबसे पहले महामारी यानी कि एपिडेमिक घोषित किया गया था? तो सबसे पहले इसको एपिडेमिक घोषित किया था WHO ने। किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। हालांकि इन्होंने डिक्लेयर करने में काफ़ी लेट कर दिया। और उसके बाद में भारत का पहला राज्य था हरियाणा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा महामारी अधिनियम यानी कि एपिडेमिक एक्ट को लागू किया गया, यह कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये जो महामारी अधिनियम है ये बना था 1897 में, यानी कि 1897 में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो महामारी अधिनियम होता है इसके अंतर्गत जो हमारे यहाँ का परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय है, राज्य हैं या यूनियन टेरिटरी हैं, इनके द्वारा कोविड-19 के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को भी सरकार के द्वारा लागू किया गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस राज्य ने सबसे पहले महामारी डिक्लेयर किया कोरोना वायरस को, तो ये डिक्लेयर किसने किया था? हरियाणा ने। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा राज्य था जिसने महामारी अधिनियम के प्रावधानों को सबसे पहले लागू किया, तो उस स्थिति में पहला आपका उत्तर होगा कर्नाटक। केंद्र सरकार ने किस दवा को S1 अनुसूची दवा की श्रेणी में शामिल करते हुए निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? अब ये आपको अच्छे से पता होगा कि कोरोना वायरस की अभी तक कोई दवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी विभिन्न देशों के द्वारा विभिन्न बीमारियों के लिए जो दवाएं प्रयोग की जाती रही हैं उनका उपयोग कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर व्यक्तियों के ऊपर किया जा रहा है, यानी कि जो इससे ज़्यादा प्रभावित हैं उनके ऊपर किया जा रहा है। तो भारत में जिस दवा का प्रयोग किया जा रहा है वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन,
जो कि मलेरिया की एक दवा है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर किसी भी दवा को सरकार के द्वारा H1 अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है तो फिर वह दवा आपको मेडिकल स्टोर पर सीधे नहीं मिलेगी, आपको अगर कोई डॉक्टर रिकमेंड करेगा तभी मेडिकल स्टोर पर वो दवा मिलेगी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है एड्स की दो दवाओं के बारे में, जो कि है लोपिनाविर और रीतोनाविर। तो इन दवाओं का प्रयोग भी बहुत सारे देशों में किया जा रहा है। और एक वायरस फैला था इबोला, इबोला की दवा है रेमडेसिविर, तो इसका भी प्रयोग कई देशों में किया जा रहा है। अब इबोला की बहुत सारी दवाएं बची हुई थी क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज नहीं हुआ था, तो हो सकता है WHO ने इसलिए रिकमेंड कर दिया हो कि ये दवाएं भी खत्म हो जाए। बाकी आप ध्यान रखिएगा कि अभी तक कोरोना वायरस की कोई दवा नहीं है। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक ऐप लॉन्च किया? तो एक ऐप यहाँ पर लॉन्च किया है पंजाब ने, और इस ऐप का नाम है कोवा पंजाब, यानी कि कोरोना वायरस अलर्ट। किस राज्य की सरकार ने COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए नमस्ते ओवर हैंड शेक अभियान की शुरुआत की? तो बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसकी शुरुआत की है कर्नाटक ने। अब यहाँ पर विभिन्न राज्यों के द्वारा कई सारे अभियान शुरू किए गए हैं, तो उन अभियानों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनके पूछे जाने की संभावनाएं भी सर्वाधिक हैं। किस देश में COVID-19 के टीके का सबसे पहले मानव पर परीक्षण किया गया? तो एक इसका टीका डेवलप किया गया था और ये परीक्षण किया गया अमेरिका में, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा अमेरिका के सीएटल में पहले मानव के ऊपर इस टीके का परीक्षण किया गया, हालांकि इसका रिजल्ट क्या है वह अभी आना शेष है। किस राज्य की सरकार द्वारा COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए चैन तोड़ो अभियान शुरू किया गया? तो चैन तोड़ो अभियान ये शुरू किया था केरल ने, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा और ये मुख्य रूप से एक हाथ धोने का अभियान है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस सोशल मीडिया कंपनी के साथ एक चैट बोट बनाया है? तो ध्यान रखिएगा ये इन्होंने दो कंपनियों के साथ बनाया है, एक तो है आपका व्हाट्सएप और दूसरा आपका है फेसबुक। तो ध्यान रखिएगा दोनों के साथ में मिलकर के एक चैट बोट बनाया गया है जिस पर जाकर के आप कोरोना वायरस के संदर्भ में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। COVID-19 के कारण होने वाले मृत्यु के मामले में किस देश ने चीन को पीछे छोड़ दिया? तो जब यह प्रश्न था उस समय तो केवल छोड़ा था इटली ने, लेकिन अब सबसे ज़्यादा डेथ इटली में हुई है, उसके बाद आ गया है स्पेन और फिर तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है USA। तो ये आपको ध्यान रखना, ये अभी और बैरी करेगा, तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इटली के बारे में ये जान लीजिए कि रोम यहाँ की राजधानी है, मुद्रा है यहाँ की यूरो, राष्ट्रपति हैं सर्जियो मत्तारेला और PM यहाँ के हैं ग्यूसेप्पे कोंते। PM मोदी ने किसकी अध्यक्षता में COVID-19 इकोनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स का गठन किया? तो इसकी अध्यक्ष बनी है निर्मला सीतारमण, जो कि हमारे यहाँ के वित्त और कॉरपोरेट मामले की मंत्री हैं। साथ ही साथ इस टास्क फोर्स में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह, हरदीप सिंह पुरी और प्रहलाद सिंह पटेल भी शामिल हैं। किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना वायरस के रैपिड पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी गई थी अमेरिका के द्वारा, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यह एक प्रकार का टेस्ट होता है कोरोना वायरस का, जिसके अंतर्गत 45 मिनट के अंदर ही जांच का परिणाम आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा रैपिड पॉइंट ऑफ केयर के अंतर्गत 45 मिनट में जांच का परिणाम आता है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश द्वारा हर्ड इम्यूनिटी रणनीति को अपनाया गया था? तो ये अपनाया था किसने? यूनाइटेड किंगडम, किसने? UK ने इस रणनीति को अपनाया था। और मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताया था कि किसी भी महामारी के प्रसार को रोकने के तीन तरीके होते हैं, कि या तो लोग उसके संपर्क में आएँ यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, या फिर उसकी कोई दवा हो, या फिर ये तीसरा होता है हर्ड इम्यूनिटी। तो ये सबसे खतरनाक तरीका होता है और इसे यूनाइटेड किंगडम के द्वारा अपनाया गया था। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है, PM यहाँ के बोरिस जॉनसन। COVID-19 की रोकथाम व नियंत्रण के लिए किसकी अध्यक्षता में चिकित्सा विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? तो ये जो समिति गठित की गई थी इसके अध्यक्ष डॉक्टर BK पाल, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं डॉक्टर BK पाल की, तो ये नीति आयोग के वर्तमान में सदस्य हैं। किसके? नीति आयोग के। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से अपना नाम वापस लेने वाला पहला देश कौन बना? तो पहला देश यह था और आखिरी देश भी यही होगा, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक को टाल दिया गया है। इस वर्ष 24 जुलाई से 9 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन अब ये 2021 में 24 जुलाई से
8 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस वर्ष अगर ये आयोजित होता तो सबसे पहले नाम वापस लिया था कनाडा ने, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और 1964 के बाद में दूसरी बार अब आयोजन किया जाएगा इसका, कहां पर? टोक्यो में। कोरोना वायरस से प्रभावित व्यापार के लिए COVID-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन बना? तो सबसे पहले इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की घोषणा की थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इन्होंने ये कहा है कि अगले 12 माह के लिए हम 7.25% की ब्याज दर से ऋण देंगे। हालांकि बाद में कई अन्य बैंकों के द्वारा भी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की घोषणा की गई, जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इन लोगों ने भी क्रेडिट लाइन की घोषणा की थी। हाँ, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि जो इनका ये 2019-20 का वित्तीय वर्ष है, इसमें जो इनको टोटल लाभ प्राप्त हुआ है उसका ये 0.2% देंगे कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए। किस कंपनी ने भारत का पहला COVID-19 समर्पित अस्पताल स्थापित किया? तो ये बनाया है रिलायंस ग्रुप ने, कहाँ पर? मुंबई में। तो ये स्पेशल अस्पताल मुख्य रूप से कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के ट्रीटमेंट के लिए ही बनाया गया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए गठित सार्क फंड में किस देश ने 1 मिलियन के अनुदान की घोषणा की? तो सार्क फंड की घोषणा हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, और इसमें भारत ने इनिशियली यानी कि शुरुआत में $10 मिलियन, उसके बाद में कई अन्य देशों ने अनुदान की घोषणा की। 1 मिलियन अनुदान किसने दिया है? 2 देशों, नेपाल और अफगानिस्तान ने। इसके अलावा आप देख सकते हैं मालदीव के द्वारा 2 लाख दिया गया, भूटान के द्वारा 1 लाख का अनुदान दिया गया, 1.5 मिलियन का किसने दिया था? बांग्लादेश ने दिया था, और श्रीलंका ने दिया था $5 मिलियन का भुगतान। बात करते हैं सार्क देशों की, तो इसमें कुल 8 देश हैं, 7 ने दिया, पाकिस्तान को कहीं से पैसा ही नहीं मिला, तो इसीलिए पाकिस्तान ने यहाँ पर अपना कोई सहयोग नहीं दिया है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, मुख्यालय इसका है काठमांडू में। पीएम द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कितने दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई? तो कुल 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जनता कर्फ्यू घोषित किया गया था 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को जनता कर्फ्यू घोषित किया गया था। बात करते हैं अगर हम लोग लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन और कर्फ्यू में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि कर्फ्यू के दौरान पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है, लेकिन लॉकडाउन जब लगा होता है तो उस स्थिति में आप आवश्यक वस्तुओं को लेने के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं। और ये महामारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत लागू किया जाता है, और लॉकडाउन को मुख्य चिकित्सा अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा लागू किया जाता है किसी जिले में। किस राज्य सरकार द्वारा मो जीवन यानी कि मेरा जीवन कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो मो जीवन है इसे COVID-19 के संदर्भ में, और इसे शुरू किया था उड़ीसा राज्य की सरकार ने। मेक इन इंडिया के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, COVID-19 की जांच के लिए डायग्नोसिस टेस्ट किट्स बनाने वाली पहली कंपनी कौन बनी, यानी कि पहली भारतीय कंपनी कौन बनी? तो ये है आपकी पुणे की माई लैब, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो पुणे की जो माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने भारत की पहली कोरोना वायरस के जांच की किट बनाई, जिसका नाम है माई लैब पैथो डिटेक्ट COVID-19 क्वालिटेटिव PCR किट। और मैंने आपको बताया ही था कि जो अमेरिका कंपनी थी उन्होंने रैपिड पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट को मंजूरी दी थी। तो ये जो माई लैब के द्वारा बनाया गया किट है, ये 4 घंटों में टेस्ट का परिणाम दे देगा, और ₹1200 इसका मूल्य निर्धारित किया गया है। वहीं पर केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जो कोरोना वायरस का टेस्ट निजी लैब्स में किया जाएगा, वहाँ पर किसी व्यक्ति को अधिकतम ₹45 चार्ज किए जाएंगे, यानी कि ₹45 चार्ज किए जाएंगे कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए। पीएम द्वारा 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद नियमों की अवहेलना पर IPC की किस धारा के अंतर्गत सजा का प्रावधान है? तो यहाँ पर सजा का प्रावधान है धारा 188 के अंतर्गत, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और धारा 188 कहती क्या है? धारा 188 ये कहती है कि अगर लॉकडाउन लगा हुआ है और जो भी लोक सेवक हैं उनके द्वारा कोई आदेश दिया जाता है, और अगर आप उस आदेश को नहीं मानते हैं तो 1 माह तक की जेल हो सकती है। और धारा 188 जब महामारी एक्ट के साथ में लागू होता है तो उस स्थिति में 6 माह की सजा होती है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है धारा 269 और धारा 270 की। धारा 269 में अगर कोई व्यक्ति जानलेवा वायरस के संक्रमण को छुपाता है तो उसे 6 माह की सजा होगी, और अगर कोई व्यक्ति संक्रमित वायरस को फैलाता है तो उसे 2 साल की सजा दी जाती है धारा 270 के अंतर्गत। तो ये सारी धाराएं न्यूज में है, तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। US सेंटर्स फॉर
डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर क्लारा नामक आर्टिफिशियल बॉट शुरू किया? तो ये इन्होंने शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और इसके माध्यम से जो भी लोग COVID-19 के संभावित लक्षण हैं जिनके भीतर, उसके आकलन करने में लोगों की मदद की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शुरू किया है इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ में मिलकर के। COVID-19 के लिए मूल्यांकन उपकरण यानी कि असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये लॉन्च किया है गोवा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यूएस की इन वेकर इंक के द्वारा मिलकर के इसका निर्माण किया गया है। और यहाँ पर होगा क्या, तो इस असेसमेंट टूल की सहायता से आप जाकर के अपनी पूरी जानकारी देंगे और उस जानकारी के आधार पर आपको बताया जाएगा कि क्या आपके अंदर COVID-19 के संभावित लक्षण हैं या फिर नहीं है। अगर हैं तो आपको आगे किस प्रकार के कदम लेने हैं। लॉकडाउन के असफल होने के बाद पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य यहाँ पर बना है पंजाब। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पहला राज्य पूछा जाता है तो पहला राज्य है पंजाब, और अगर पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है तो वह है चंडीगढ़, जहाँ पर कर्फ्यू पूरी तरीके से लगाया गया। फीफा द्वारा किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को COVID-19 महामारी से निपटने के लिए जागरूकता अभियान के लिए चुना गया? तो यहाँ पर फीफा ने चुना है सुनील छेत्री को, जो कि तेलंगाना से फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। और ये जो इनकी अभियान है, इसका नाम है पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। तो इसमें कुल 28 वर्तमान और पूर्व फुटबॉल के खिलाड़ी शामिल हैं। किस IIT संस्थान ने कोविड 19 के लिए परीक्षण किट प्रो फ्री डिटेक्शन ऐसे का निर्माण किया? तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था माई लैब के बारे में, उसी प्रकार से एक किट का निर्माण किया है IIT दिल्ली ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किस IIT संस्थान द्वारा कोरोना डाउन के मद्देनजर या लॉकडाउन के मद्देनजर रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रोजेक्ट आईजेक की शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की है IIT गांधीनगर ने। तो बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है, प्रोजेक्ट आईजेक गांधीनगर IIT से संबंधित है। पूरे शहर को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो इंदौर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने दो ड्रोन की मदद ली जिससे पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा सके। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोरोना वायरस के लिए पॉलिसी ट्रैकर लॉन्च किया? तो पॉलिसी ट्रैकर यहाँ पर लॉन्च किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नाम इन्होंने रखा है इसका IMF पॉलिसी ट्रैकर। और ये काम क्या करेगी, यानी कि इस पॉलिसी ट्रैकर पर विभिन्न देशों के द्वारा COVID-19 से निपटने के लिए जो पॉलिसियाँ अपनाई गई हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा, जिससे दूसरे देश भी उनके द्वारा अपनाए गए बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपने यहाँ पर लागू कर सकें और COVID-19 से निपट सकें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका है Washington DC में। MD है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 1000 बेड वाले दो विशेष अस्पताल की घोषणा की? तो आपको ध्यान रखना है, कोरोना वायरस के संदर्भ में ये भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है और ये घोषणा की है उड़ीसा राज्य की सरकार ने। तो यहाँ पर 1000 बेड के दो अस्पताल होंगे, यानी कि एक अस्पताल में 500 बेड होगा और दूसरे में भी होगा 500 बेड। हालांकि पहला जो COVID-19 को समर्पित अस्पताल है वह बना है मुंबई में रिलायंस ग्रुप के द्वारा। भारतीय सेना द्वारा कोरोना वायरस की चुनौतियों से निपटने के लिए किस नाम से ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो भारतीय सेना ने यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते। और इसके बारे में जो सेना प्रमुख हैं MM नरावने जी, उनके द्वारा घोषणा की गई। कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी परीक्षण यानी कि सीरोलॉजिकल टेस्ट की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन होगा? तो पहला देश यहाँ पर होगा भारत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और मैंने आपको इसके बारे में बताया ही था कि जो एंटीबॉडी परीक्षण होता है, इसके माध्यम से किसी व्यक्ति के भीतर ये बता किया जाता है कि क्या वह कोरोना वायरस से संक्रमित था या फिर नहीं था। एक इसी से मिलता जुलता टेस्ट और है जिसका नाम है कंवल सेट प्लाज्मा टेस्ट। तो ये किस देश ने शुरू किया है, ये आपने को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और COVID-19 के पेशेंट जीरो कौन थी, उसका नाम क्या है, ये भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। आखिरी प्रश्न है, किस देश के एबॉट लैब्स ने सिर्फ 5 मिनट में कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए एक किट लॉन्च किया? तो एबॉट लैब जो कि है अमेरिका की, तो इन्होंने सिर्फ 5 मिनट में कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए एक किट लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
तो इस किट के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति की टेस्टिंग होती है तो मात्र 5 मिनट में ही पता चल जाएगा कि क्या वह कोरोना से पॉजिटिव है या फिर नहीं है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।